चुप हो गए, लेकिन विश्वामित्र जी की इस वाणी को सुनकर दशरथ जी महाराज व्याकुल हो गए। ये वाणी दशरथ जी महाराज को प्रिय नहीं लगी। सुनी राजा अति अप्रिय वाणी, हृदय कंप मुख दुति कुमलांगा। इस अप्रिय वाणी को सुनकर दशरथ जी महाराज का मुख मलिन हो गया। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में तो वर्णन है कि विश्वामित्र जी ने जब कहा कि राम लक्ष्मण को हमें दे दो, हम इन्हें ले जाएंगे, तो इतना सुनते ही दशरथ जी महाराज मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए। मुहूर्तमिव निसंज्ञ संज्ञावान मिदम अब्रवीत। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि एक मुहूर्त तक दशरथ जी महाराज बेहोश रहे, होश ही नहीं था। गोस्वामी जी ने तो थोड़ा कम ही लिखा कि केवल मुख की कांति घट गई, हृदय कंप मुख दित कुमलानी। लेकिन महर्षि वाल्मीकि तो लिखते हैं कि विश्वामित्र जी ने जब राम जी की याचना की तो ये सुन करके ही दशरथ जी महाराज मूर्छित हो गए। मुहूर्तमिव निसंज्ञ संज्ञावान मिदम अब्रवीत। कुछ देर बाद जब दशरथ जी को चेतना आई तो उन्होंने यही कहा, मुनिवर चौथी अवस्था में मैंने पुत्र प्राप्त किया। कृच्छेणोत्पादितश्चायम्। ये ऐसे नहीं मिले हैं, आप आ गए और मांग लिए। हमने इनको कैसे पाया है? इनको पाना इतना सरल है, बस मांग लो मिल जाए। कोई सड़क छाप वस्तु थोड़ी है कि कोई मांगे और उसे मिल जाए। मानो दशरथ जी महाराज कहते हैं इनको पाने के लिए मैंने कितने पापड़ बेले हैं, क्या किया। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि कृच्छेणोत्पादितश्चायम्। कितनी तपस्या के बाद, कितने संघर्ष के बाद मैंने इनको प्राप्त किया। कृच्छ माने कठोर तप, त्याग। और सही बात है, हजारों लाखों वर्ष पहले मनु जी महाराज ने इनके लिए तप किया, 23,000 वर्ष तप किया, तब जाकर के प्राप्ति का, भगवत प्राप्ति का आश्वासन मिला। और उसके बाद लाखों वर्ष तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। फिर जब दशरथ जी के रूप में उत्पन्न हुए उसके बाद 60,000 वर्ष प्रतीक्षा करनी पड़ी, तब ये मिले हैं। कृच्छेणोत्पादितश्चायम्, और आप इन्हें लेने चले आए। दशरथ जी महाराज कहते हैं चौथे पन पायों सुतचारी। चौथे पन पायों सुतचारी, चौथे पन पायों सुतचारी, देव वचन नहीं करो विचारी। मांगन भूमि देव सर्वस जी महाराज कहते हैं आप मेरे प्राण ले लो, धन ले लो, सर्वस्व ले लो, लेकिन मैं अपने राम को नहीं दे सकता। राम को देते नहीं बन रहा है,
राम देत नहीं बनत गोसाई, राम देत नहीं बनी गोसाई। क्यों? बोले जिसके लिए सब कुछ दिया जा सकता है, सब कुछ दे करके जिसको प्राप्त किया जा जाता है, फिर वो देने के लायक नहीं होता। अर्थात भगवान को प्राप्त करने के लिए सब कुछ त्यागना पड़ता है। तो जिसकी प्राप्ति के लिए सब कुछ त्यागा जाए, फिर उसको भी अगर त्याग दिया जाए तो फिर सारा श्रम व्यर्थ हो जाए। आप मेरा धन ले लो, राज्य ले लो, सब कुछ ले लो, लेकिन मैं अपने राम को नहीं दे सकता। रन न रामम नेतु मरहसि, आप मेरे राम को नहीं ले जा सकते। पहले तो चक्रवर्ती जी ने कहा था कि कहूं सो करत न लावहु बारा, आप जो कहेंगे आपकी आज्ञा का मैं पालन करूंगा। लेकिन अब चक्रवर्ती जी अपने वचन से पीछे हटने लगे। अगर विचार किया जाए तो चक्रवर्ती जी को ऐसा करने पर असत्य संभाषण का दोष लगेगा कि एक ब्राह्मण से, एक तपस्वी से कहकर, वचन देकर और अपने वचन से पीछे हटना ये धर्म नहीं है। और इस स्थिति में विश्वामित्र जी को क्रोध भी आ सकता है, लेकिन विश्वामित्र जी को क्रोध नहीं आया। विश्वामित्र जी प्रसन्न हुए, हृदय हर्ष माना मुनि ज्ञानी। दशरथ जी के इन वचनों को सुनकर के विश्वामित्र जी भीतर से बड़े हर्षित हुए, प्रसन्न हुए। क्यों प्रसन्न हुए? बोले विश्वामित्र जी ने मन में अनुभव किया कि धन के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने स्वार्थ के लिए सत्य को छोड़ने वाले तो बहुत लोग हैं दुनिया में, लेकिन भगवान के लिए जिसने सत्य को भी त्याग दिया, इतना बड़ा त्यागी मैंने आज तक नहीं देखा। सत्य को तो दुनिया में बहुत लोग त्याग देते हैं, लेकिन किस चीज के लिए? बोले क्षुद्र स्वार्थ के लिए। लेकिन भगवान के लिए सत्य को भी त्याग देने वाला ऐसा त्यागी तो मैंने आज देखा है। इसलिए दशरथ जी महाराज के वचनों को सुनकर के विश्वामित्र जी प्रसन्न हुए, हृदय हर्ष माना मुनि ज्ञानी। और दशरथ जी महाराज ने कहा कि मैं मर जाऊंगा फिर भी अपने राम को नहीं दे सकता। राघव को मैं न दूंगा, यूनाथ मरते मरते। राघव को मैं न दूंगा, यूनाथ मरते मरते। मेरे प्राण न रहेंगे, मेरे प्राण न रहेंगे, यह नाम करते करते। मेरे प्राण न
नहीं दे सकता। विश्वामित्र जी ने सोचा कि जब टकासा जवाब दे ही दिया तो अब तो जाना ही पड़ेगा। विश्वामित्र जी महाराज ने अपना कमंडल उठाया और विश्वामित्र जी ने कहा, ठीक है राजन, अगर आप राम को देने में समर्थ नहीं हैं तो मैं जा रहा हूं, लेकिन आप समझ लेना। फिर क्या समझ लेना? विश्वामित्र जी ने कहा, मिथ्या प्रतिज्ञत का कुस्थ हे ककुस्थ कुलभूषण, राजन आने वाले युग में लोग यही कहेंगे कि सत्यवादियों के वंश में ऐसे रघुकुल में एक राजा दशरथ हुआ जिसने ब्राह्मणों से प्रतिज्ञा करके और अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ दिया। मिथ्या प्रतिज्ञा, झूठी प्रतिज्ञा करने वाला राजा हुआ, ऐसा लोग कहेंगे। सुखी भव सुहृद वृतः, अपने परिवार के साथ रह करके सुखी रहो, मैं तुम्हें शाप नहीं दूंगा। दूसरा कोई होता तो अब तक विश्वामित्र जी शाप दे देते। विश्वामित्र जी गरम दल के नेता हैं। विश्वामित्र जी महाराज, भृगु जी महाराज, परशुराम जी, दुर्वासा जी, ये सब गरम दल के नेता, थोड़ी सी बात हो जाए तो फिर शाप ही देते हैं। लेकिन इतना होने के बाद भी विश्वामित्र जी ने कहा, मैं शाप नहीं दूंगा। सुखी भव सुहित वृतः, अपने परिवार के साथ रह करके आप सुख का अनुभव करो और मैं जा रहा हूं। ऐसा कह करके विश्वामित्र जी ने अपना कमंडल उठाया। चचाल वसुधा कृत्नाम, विश्वामित्र जी के खड़े होते ही पृथ्वी कांप गई महाराज। चचाल वसुधा कृत्नाम, संपूर्ण पृथ्वी कांपने लगी। बोले क्यों कांपने लगे? विश्वामित्र जी के क्रोध के कारण? बोले नहीं, पृथ्वी इसलिए कांप गई कि मेरा तो मनोरथ ही व्यर्थ हो गया। मैंने प्रार्थना की थी कि मेरे भार का हरण करो, मेरी प्रार्थना पर मेरे भार का हरण करने के लिए भगवान ने अवतार लिया है, दुष्टों के विनाश के लिए इनका अवतार हुआ है, और इनको दशरथ जी जब विदा ही नहीं करेंगे तो दुष्टों का विनाश कैसे होगा, मेरे भार का हरण कैसे होगा, ऐसा सोच करके पृथ्वी कांप गई। चचाल वसुधा कृष्णां, विश्वामित्र जी चलने को तैयार हो गए, लेकिन गुरुदेव वशिष्ठ वहीं पर विराजमान थे। चलते चलते विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ की ओर देखा और वशिष्ठ जी की आंखों में देखकर इशारे इशारे में ही अपने मनोभाव को कह दिया। क्या कहा? विश्वामित्र जी ने कहा, हे ब्रह्मपुत्र, हे मुनिवर, मैंने आपकी बराबरी करने का बहुत प्रयास किया,
तपस्या करके विद्या वैदुष्य बल अस्त्र शस्त्र सब कुछ मैंने अर्जित किया। तपस्या करके मैंने ब्राह्मणत्व को भी प्राप्त कर लिया। गायत्री मंत्र का मैंने साक्षात्कार कर लिया। दूसरी सृष्टि करने का सामर्थ्य मैंने प्राप्त कर लिया कि मैं आपके बराबर बन जाऊं। लेकिन हे मुनिवर, आज भी मैं आपके समकक्ष नहीं हो सका। आपको जो पद मिला वो पद मुझे अभी तक नहीं मिला है। आप तो ब्रह्म परमात्मा के भी गुरु बन गए, भगवान आपके शिष्य बन गए, इससे बड़ा दुनिया में कौन सा पद हो सकता है। सबसे बड़ा पद भगवान का पद है। तद विष्णोः परमं पदम, भगवान से बड़ा कोई पद नहीं है। और जो भगवान का भी गुरु हो तो सोच लो कितना बड़ा पद है। विश्वामित्र जी ने कहा कि हे मुनिवर, आपने जो पद प्राप्त कर लिया वो पद मैं आज तक नहीं प्राप्त कर सका, लेकिन मुझे भी वो पद मिल जाए, आप कृपा करो। आपकी कृपा के बिना मैं इन्हें प्राप्त नहीं कर सकता। विश्वामित्र जी ने याचना की। विश्वामित्र जी के हार्दिक भाव को वशिष्ठ जी महाराज समझ गए और वशिष्ठ जी ने चक्रवर्ती जी को एकांत में बुलाया और धीरे से कान में कुछ समझाया, कानाफूसी की। तब वशिष्ठ प्रभु दीदी समझावा, तब वशिष्ठ प्रभु दीदी समझावा, संदेह नास करता, संदेह नास करता। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, एकांत में ले जाकर के वशिष्ठ जी महाराज ने चक्रवर्ती जी से कहा, राजन आप संकोच का त्याग करें और निश्चिंत होकर के राम लक्ष्मण को इनके साथ विदा कर दें। ये राम लक्ष्मण को लेकर के जाएंगे तो आपके पुत्रों का कल्याण होगा। दशरथ जी ने कहा, क्या कल्याण होगा? वशिष्ठ जी ने कहा कि विवाह की आप चिंता कर रहे थे ना कि मेरे बेटों का ब्याह कैसे होगा, ये ब्याह कराने के लिए आए हैं, ले जाएंगे और दो बेटों को ले जाएंगे, चारों का ब्याह करा देंगे, आप निश्चिंत हो जाओ, आपकी चिंता दूर करने के लिए ही ये आए हुए। और जहां तक असुरों के विनाश की बात है, दशरथ जी ने कहा, महाराज आप नहीं जानते हैं, ये मेरे बेटों का ब्याह कराने नहीं आए हैं, ये अपने यज्ञ की रक्षा के लिए, असुरों के विनाश के लिए मेरे पुत्रों को मांगने आए हैं। वशिष्ठ जी हंसने लगे। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन विश्वामित्र जी को आपने असमर्थ समझ रखा है, वो इतने गए गुजरे हैं, राक्षसों के विनाश के लिए उनको यहां आना पड़ेगा, वो तुम्हारा कल्याण करने के लिए आए। राक्षसों का विनाश तो वो स्वयं कर सकते हैं, जो दूसरी सृष्टि कर सकता है वो संपूर्ण सृष्टि को विनष्ट भी कर सकता है, वो विश्वामित्र जी। वशिष्ठ जी ने कहा कि तेसाम निग्रहणे सत्त स्वयं च कुशिकात्मजः, उन राक्षसों का विनाश करने में विश्वामित्र जी स्वयं समर्थ हैं। तो दशरथ जी ने कहा, फिर यहां मेरे यहां मांगने क्यों आए? तो वशिष्ठ जी ने कहा, तव पुत्र हितार्थाय, तुम्हारे पुत्रों का हित करने के लिए आए हैं। ऐसा हितैषी दुनिया में कोई मिलेगा जो स्वयं भिखारी बनकर के, याचक बनकर के दरवाजे पर आवे और आपके सामने छोटा बनकर के, दीन बनकर के आपसे याचना करे और आपका कल्याण करे? ऐसा हितैषी तो दुनिया में नहीं मिलेगा। और ये तो संपूर्ण विश्व के हितैषी हैं, इनका नाम ही विश्वामित्र है, ये सारे विश्व के मित्र हैं, संपूर्ण विश्व का कल्याण करने के लिए आए हुए हैं, इसलिए राजन निश्चिंत होकर के तुम राम लक्ष्मण को इनके साथ विदा कर दो। तेषां निग्रहणे सत्त स्वयं च कुशिकात्मजः, तव पुत्र हितार्थाय त्वामुपेत्याभियाचते। और विश्वामित्र जी ने तो पहले ही संकेत कर दिया था। विश्वामित्र जी ने कहा था, राजन राम जी को दे दो, आप निश्चिंत रहो, ये राम जी कौन है मैं जानता हूं, आप भले न जानते हो लेकिन मैं जानता हूं राम जी कौन है, और मैं जानता हूं और ये आपके गुरु जी जो बैठे हैं ये जानते हैं। अहम वेद्मि महात्मानम,
मैं जानता हूं राम जी को, राम जी कौन है। और ये चेमे तपस स्थिताहा, विश्वामित्र जी कहते हैं कि आपकी सभा में बैठे हुए ये जो बड़े बड़े तपस्वी लोग हैं, जाबाल, मारकंडे, कात्यायन, गौतम, पराशर, ये बड़े बड़े महामहर्षि जो बैठे हुए, ये लोग जानते हैं राम जी कौन। मैं जानता हूं राम जी कौन। दशरथ जी ने कहा, जन्म मैंने दिया, पैदा मैंने किया, पाला मैंने, और मैं नहीं जानता हूं, ये बाबा लोग जानते हैं। लेकिन सच्ची बात यही है, विश्वामित्र जी ने जो बात कही है बड़ी मार्मिक है। विश्वामित्र जी मानो कहना चाहते हैं, ये कौन है, इनका स्वरूप क्या है, इसको ठीक ठीक जानने वाले तो ये महात्मा लोग ही हैं। संत लोग ही भगवान को जानते हैं कि भगवान क्या है। इसीलिए विश्वामित्र जी ने कहा, अहम वेद्मि महात्मानं रामं सत्य पराक्रमं। और आपके गुरुदेव जो वशिष्ठ हैं वो जानते हैं, और ये चेमे तपस स्थिताः, आपकी सभा में ये जो तपस्वी लोग बैठे हैं ये लोग जानते हैं। वशिष्ठ जी ने समझा दिया, चक्रवर्ती जी प्रसन्न हो गए, और चक्रवर्ती जी ने तुरंत अपने दोनों पुत्रों को बुलाया, राम लक्ष्मण को, और विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम कराया और सौंप दिया। और सौंपते हुए कहा, मुनिवर, मैं अपने पुत्र राम और लक्ष्मण को आपको दे रहा हूं, अब आज से इनके माता पिता आप ही हो। मेरी प्राणी नाथ रूप दो, मेरी प्राणी नाथ रूप दो, तुम पिता नहीं को, तुम पिता विश्वामित्र जी से चक्रवर्ती जी ने कहा, मुनिवर, मैं अपने दोनों पुत्रों को आपको सौंप रहा हूं, आप ही इनके माता पिता हो, अब आप इनकी साज संभार करना। सौंप दिया। ज्यों ही दशरथ जी महाराज ने राम लक्ष्मण को सौंपा, विश्वामित्र जी ने कहा, बेटा चलो। एक मिनट भी नहीं रुके विश्वामित्र। विश्वामित्र जी ने सोचा कि बड़े मुश्किल से तो राजा तैयार हुआ है, कहीं इसका मन बदल गया तो बना बनाया काम बिगड़ जाएगा, इसलिए जल्दी निकल लो यहां से। श्री विश्वामित्र जी ने कहा, राम जाओ, जल्दी से जाकर के अपनी माताओं को प्रणाम करो, और प्रणाम करके उनसे भी विदा ले लो, और चलना है, विलंब हो रहा है। भगवान श्री राम और कुमार लक्ष्मण दोनों भाई गए, जाकर के अपनी माताओं को प्रणाम किया। बड़ी अद्भुत बात यहां पर गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि माताओं को प्रणाम करने के लिए जब ठाकुर जी गए तो माताएं बड़ी प्रसन्न हुई। माताओं ने कहा, बेटा इतनी दूर आने की क्या जरूरत थी, वहीं से मानसिक प्रणाम कर लेते, जाओ जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, सौंपे भूपल जी की सदन बहु विध देहि असीस, सौंपे भूपल जी की सदन बहु विध देहि असीस, जननी भवन गए प्रभु चले नाई पद सीस, जननी भवन गए प्रभु चले नाई पद सीस, सौंपे भूपल माँ के भवन में प्रणाम करने गए। माताओं ने तुरंत विदा कर दिया। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, जननी भवन गए प्रभु और चले नाई पद शीश, प्रणाम किया और चल पड़े। माताओं ने एक बार भी नहीं रोका, बेटा कहां जा रहे हो, रुक जाओ, मत जाओ। पिताजी ने तो इतनी झकझक की, तब जाकर के देने को तैयार हुए, लेकिन माताओं ने एक बार भी नहीं रोका। क्यों? बोले, माताओं को रहस्य मालूम है,
माताएं जानती हैं कि विश्वामित्र जी के साथ ये जाएंगे तो इनका विवाह हो जाएगा। बोले माताओं को कैसे पता था? इस रहस्य को गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया है कि एक बार भगवान शंकर अयोध्या में ज्योतिषी बनकर के आए। भगवान जब बाल लीला कर रहे थे तो भगवान शंकर ज्योतिषी बनकर के आए कि चलो आज ज्योतिषी बनकर के चलते हैं और भगवान राम लला का दर्शन करते हैं। ज्योतिषी बनकर के आए और अयोध्या की गलियों में घूम घूम करके लोगों का हाथ देखने लगे, भविष्य का वर्णन करने लगे। अवध आज आगमी एक आयो करतल निरख कहत सब गुण गण बहुतन परिचो पायो। भगवान शंकर ज्योतिषी बनकर के आए, लोगों का हाथ देखते भूत भविष्य वर्तमान सब बता देते। धीरे धीरे चर्चा हुई। एक ऐसे ज्योतिषी आए हैं जो भूत भविष्य वर्तमान सब बता देते। करतल निरख कहत सब गुणगन बहुतन परिचो पायो। ये बात महल के अंदर भी पहुंच गई, माताओं को पता चला। तो माताओं ने दासी को भेजा, कहा जाओ ज्योतिषी जी को बुला के ले आओ महल के अंदर। ज्योतिषी जी महाराज आए, सुंदर आसन दिया, पूजन किया और फिर माताओं ने कहा महाराज आप भूत भविष्य वर्तमान सब बता देते हैं तो आप कृपा करके मेरे बच्चे का हाथ देख करके बताओ इसका भविष्य क्या होगा। तो भोले बाबा यही तो चाहते थे कि मुझे राम जी का दर्शन मिल जाए। राम लला को लेकर के मां कौशल्या आई।